मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हम दोनों तैयार हो चुके हैं। आज हम दोनों को जाना है थोड़ा काम से बाहर, जैसे कि कल गाड़ी मंगवाई है पापा की, तो अभी मम्मी निकल रहे हैं शिबा दीदी को लेने के लिए। वो इंडिया में आ चुके हैं एंड 9-10 बजे उनकी लैंडिंग है। कितने बजे लैंडिंग है? आ जाएंगे आज लेने जा रहे हैं, इसलिए आ जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद अपन को तो मिलने मिलेगा। आज से लगा रहे चिकू परफ्यूम, मैंने मेरा परफ्यूम लगा लिया है और अभी मैं चिकू को लगा रही हूँ क्रीम, क्योंकि इनके हैंड नीज पर और ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ये अभी मौसम आ गया है ना बारिश का, तो इस वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इससे 2 दिन में क्लियर भी हो जाता है। रोज ड्यूटी है मेरी, मैं याद रख के लगा देती हूँ। बारिश से क्या मस्त नदी आ गई है। बाकी नहीं तो नदियों में इतना पानी सूख गया था चारों तरफ, और हरियाली भी होना अब चालू हो गई है। सबसे अच्छा यही लगता है कि बारिश आते में हरियाली होना चालू हो जाती है और चारों तरफ हरा हरा होता है, मस्त मज़ा आता है बाहर घूमने का। सूखा सूखा देख के वैसे गर्मी लगनी चालू हो जाती है। तो अभी हम हमारे काम से अभी दोनों जने निकल गए हैं, तो अभी ऑन द वे हैं हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। हमारे काम से हम फ्री होके फिर हमको जो भी आगे की प्लानिंग है वो करेंगे। अभी मैं आ गई हूँ हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर, तो जो भी हमारा काम है उस काम से फ्री होकर फिर जल्दी से हम निकलते हैं डूंगरपुर के लिए। डूंगरपुर के भी हमने प्लान्स आगे सेट कर दिए हैं, अब रिटर्न जाने। तो हम आ चुके हैं डूंगरपुर, और डूंगरपुर आने के बाद हमको जनक भी मिल चुका है, और हमने ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया था सुबह घर से। तो अभी हम आए हैं रूफ टॉप कैफ़े में, जनक लेके आए, कैसा है टेस्ट करते हैं अब यहाँ का खाना। और जनक उजाला उजाला, फर्स्ट डिश हमारी आ चुकी है पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज विद दो शर्मीले आदमी दोनों मुझे पता है। तो पेरी पेरी तो टेस्टी लगता है। तो अभी तो यहाँ पर हमारे 3 पनीर बर्गर्स आ चुके हैं और पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज तो ख़त्म भी हो गए। चिकू 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 कनक, ओके बाय। आना केशव जी, अच्छे कैफे में लाया था, बुला रहे हाँ तुमको जब को बुला रहे। तो अभी हम हमारा लंच ही करके निकल गए हैं, और जनक हमको मेन रोड तक छोड़ रहा है क्योंकि मेन रोड हमको पता नहीं है। आगे आगे गाइड साहब गए, गधा दिखा रहे रोड अपन को, यानी ये गधे भी आगे आगे अपने से जा रहे हैं। पेटीएम पर 120 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हो गया था, तो कुछ ठंडा खा लिया जाए। तो अभी ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम खा रही हूँ, अभी रिसेंटली फेवरेट ये हो गई है। चिकू ने 2-3 बार खिला दिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको क्या कहते हैं? मटका कुल्फ़ी। और इसको खाने में यानी इसको पिघलाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी सी पिघली हुई है इसलिए आराम से खा लूँगी, नहीं तो ये लकड़ी वाली चम्मच काम ही नहीं आती है। इसके अंदर चाहिए वो स्टील वाली, लोखंड नहीं यार, स्टील की चम्मच चाहिए। तो अभी मेरी आइसक्रीम को एंजॉय करती हूँ। मैं आ गई हूँ घर पे आ गई हूँ। टाइम तो हो गया है 12:14 हो गई है, पर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर जाती हूँ शॉप पे, ताकि भाई जी भी पूरा कंप्लीट काम कर ले घर का। तब तक शॉप पे आने के बाद कस्टमर थे, और कस्टमर से जैसे ही फ्री हुई थोड़ी देर सो गई, झपकी लग गई मुझे क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, तो क्या नींद आ रही थी ज़बरदस्त। बाहर अभी वेदिक और अंश है, उनको क्या काम है देख के आते, मुझे बोला नहीं हम आए। मेरे को अंदर ओंडा सुनाई दे रहा था वेदिक आया है। आपने क्या झूठ बोला? मेरे को पता ही नहीं है रोमा आई है, क्यों मैं खाना खा के अंदर गया ही नहीं। अंश और वैदिक तो गए, मेरे भी घर जाने का टाइम हो गया है, तो अब घर के लिए निकल गई हूँ मैं। और रोशनी को जो कुर्ते टाइट करने दिए थे वो हो गए। चिकू को फ़ोन करती हूँ लेने आ जाएंगे, और बाहर मौसम दिखाती हूँ। हीरो फ़ोन तो नहीं उठा रहे, पर डायरेक्ट लेने के लिए आ गए। ले लो
तुम दुकान जा रहे हो आ रहे हो घर पे छोड़ना छोड़ दे मिट्टू क्या कर रहे हो मिट्टू के खाना खत्म हो गया है और ये मिट्टू क्या कर रहे ये तो मस्ती आड़ मस्ती झुक के देख भी रहा है वापस क्या पूछ रही है मुझसे घर पे आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना सब्जी अब प्याज की बनाई जाए क्योंकि आलू भी नहीं बना सकती थी और कुछ सब्जी भी नहीं है अंदर और मैं मार्केट अभी जा भी नहीं सकती क्योंकि बारिश जैसा मौसम गया है बारिश आ रही है तो प्याज कट कर दी है लहसुन नहीं थे तो अभी लहसुन छील रही हूँ कैसी मैगी खानी है सब्जी मत डालना बस सब्जी नहीं है तीखी खानी है फीकी बस थोड़ी सी तो प्याज की सब्जी और रोटी नहीं खानी है प्याज मुझे प्याज की सब्जी नहीं पसंद है ना आलू पराठे कभी खाने हो तो जल्दी बोलना है ना ये बहुत लेट हो गया है ना अभी इसलिए कितने बज गए 9 बज गई है ओके तो अभी हिया के लिए बन रही है मैगी आ जा चल अपन दोनों मिलके मैगी बनाते हैं मुझे बैठने दो आपकी जो काम होगा ना मैं बोला बेटा कुछ लाना नहीं है वहाँ बैठ जा इधर आ जा बस बस हाँ एक ही डाल रहे हो तेरे को तीखा पसंद नहीं है ना बस इतना ही सूप ही पसंद है ठीक है तो हिया के लिए बन रही है सूप वाली मैगी क्योंकि हिया तो तीखा खाती नहीं है बिल्कुल भी तो उसके लिए एकदम कम तीखा ही बना रहे बहुत कम हाँ अब तो मैं थोड़ा सा तीखा खाने लग गई इसीलिए पहले नहीं खाते थे ना छोटे थे ना अब तो बहुत तीखा खाते थे बहुत तीखा यानी कैसे बताए तीखी वाली जो तीखी वाली वो नहीं आती है नमकीन वो आपकी फेवरेट थी क्या पता चन्नी चाट चाट के क्यों कर दिया नहीं चाटती तो अभी भी खाती थी कैसे कैसे हो गया चन्नी चाट चाट के तो पसंद था ना पहले हाँ दीदी बहुत छन्नी चाटती थी हिया जहाँ पर भी छन्नी मिल जाती सबके घरों से इकट्ठी करके छन्नी चाटती थी क्या होता था आपको टंग पे कुछ होता था कुछ नहीं आती थी टंग पे मैगी कैसे बनाता है वो पानी डाल के बाद गर्म हो जाता है फिर पूरा छुप बना के फिर मैगी बना फिर मैगी डालता है बन अभी चाचा भी ऐसे बनाते हैं मिला के थोड़ा फिर बन जाती है बहुत अच्छी आपने हिया की सूपी मैगी बन चुकी है एकदम फीकी फीकी दो चम्मच देनी पड़ेगी तो आप इतनी खा लोगे हाँ मैं मेरे लिए भी खाना लगा देती हूँ क्योंकि मेरे भी खाना बाकी है तो मैंने मेरे लिए बनाई है बेसन की प्याज वाली सब्जी थोड़ी सी जल गई है क्योंकि वो चिपकता ही है बेसन कुछ भी करो बेसन वाली है और ये कोरी प्याज की सब्जी मुझे क्या प्याज की सब्जी नहीं पसंद है पर तो भी कुछ सब्जी नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही था अरे सुनो ना मैगी के ऊपर थोड़ा मसाला डालना मैगी थोड़ी बहुत फीकी लग रही है तो ऊपर से मसाला आपको अच्छा लगे ना हाँ थोड़ा बहुत फीके बहुत फीके हाँ इतनी फीकी तो मेरे मुंह में भी नहीं और मैं दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं चाची आपने खाया नहीं था क्या नहीं बेटा भूख अभी तक मेरे खाना खाना बाकी था अच्छा अच्छा हुआ मैंने अभी बोल दिया तो आप सो जाती तो क्या फिर कौन मुझे दादा मिल गए इसीलिए मैं आ गई दादा मिल गए थे कहाँ मिले दादा दादा मैं घर पे जा रही थी तो वो है ना अपना भैया को वो दोनों मोक्ष और उसकी कोई वो पहन ऑन कर दो ना बहुत गर्मी लग रही फ्रेंड्स थी ना तो वो आई थी तो वो नाम भैया को ढूंढ रहे थे हाँ अच्छा तो हम दोनों बातें करते करते ऐसे ही खाना खा लेते हैं और बहुत टाइम बाद ही आज मेरे पास बैठी है तो बातें करते करते खाना खाएंगे तो खाना इंजॉय किया जाए हिया एंजॉयिंग विद मैगी कैसी लगी अच्छी
तो मज़ा आ गया हिया को और मैंने भी खाना खा लिया। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय।